गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे इज द कंबाइंड क्लास फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2. ओके एंड चिल्ड्रन, इन टुडेज क्लास वी विल डू आवर सेकेंड चैप्टर. ओके, इन दैट वी विल डू द टॉपिक वेट. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन मेजर वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, so children, first of all you can see here on the board there are three examples. okay, so in these three examples what you can see, in the first example I have drawn an apple and a banana. okay, so children here अब हमारे को बच्चों वेट मेजर करना है. ओके, सो वेट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? वेट मीन्स इन हिंदी वजन. दैट मीन्स कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका वेट हो, और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट विच वन इज हैवियर, मतलब कौन सा हैवी ऑब्जेक्ट है एंड विच वन इज लाइटर. दैट मीन्स कौन सा ऑब्जेक्ट कम हैवी है और लाइटर है. ओके, तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे बच्चों, एक एप्पल है और एक बनाना है. ओके, एप्पल और बनाना में से बच्चों वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि बच्चों एप्पल ज़्यादा हैवी होता है और बनाना. डेफिनेटली आप सबने ये दोनों फ्रूट ईट किए होंगे, राइट? एप्पल भी ईट किया होगा एंड बनाना भी. सो चिल्ड्रन, एप्पल यू ऑल नो दैट इट इज ऑलवेज हैवियर देन बनाना, राइट? और वी कैन ऑल्सो से बनाना इज लाइटर देन एप्पल. ओके, सो बिकॉज चिल्ड्रन ये दोनों फ्रूट्स हमने ईट किए हैं तो हमें पता है दैट एप्पल इज ऑलवेज हैवियर देन बनाना. ओके, नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, हेयर यहाँ पे भी बच्चों देखो टू एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज कैंडल, राइट? कैंडल बच्चों जब हम नाइट में यूज करते हैं, व्हेन देयर इज नो लाइट एट आवर होम, राइट? एट दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ कैंडल्स. सो हियर आई हैव टेकन वन कैंडल एंड वन पेंसिल. ओके, अब बच्चों हमें यहाँ पे पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी होगा, राइट? एंड कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट होगा. ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो कैंडल है इट हैज मोर वेट, राइट? तभी बच्चों कैंडल जो होती है वो हैवी होती है पेंसिल से, राइट? पेंसिल आप यूज करते हो, राइट? अपनी स्टडीज में, अपनी नोटबुक्स में, तो आप इजीली पेंसिल को पकड़ लेते हो अपनी हैंड में, राइट? बट जो कैंडल होती है इट रिक्वायर्स सम एफर्ट बिकॉज इट हैज सम वेट. तो कैंडल जो है बच्चों इट इज हैवियर, कैंडल इज हैवियर देन पेंसिल. ओके, एंड पेंसिल जो है बच्चों ये लाइटर ऑब्जेक्ट होगी. लाइटर मतलब, लाइटर मीन्स बच्चों हल्का ऑब्जेक्ट, और हैवियर मीन्स भारी ऑब्जेक्ट. तो जो कैंडल है वो भारी ऑब्जेक्ट है एंड जो पेंसिल है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है. ओके, तो हैवी और लाइट का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो नाउ इन द थर्ड एग्जाम्पल वी विल अगेन सी, दिस इज अ बिग बॉल. ओके, दिस इज अ फुटबॉल और बास्केटबॉल, अ बिगर बॉल, राइट? एंड दिस इज अ स्मॉलर बॉल. इसको हम बोल सकते हैं क्रिकेट बॉल, राइट? तो क्रिकेट की बॉल जो होती है बच्चों वो छोटी होती है बॉल, और जो बास्केटबॉल होती है इट इज अ बिगर बॉल एंड इट इज हैवी ऑल्सो. तो बच्चों जो ये बिगर बॉल है ये डेफिनेटली एक हैवी बॉल होगी, राइट? इसका वेट होगा तो इट इज अ हैवी बॉल. और जो छोटी बॉल है बच्चों, जो क्रिकेट की बॉल होती है, आपने उससे भी प्ले किया होगा, तो जो क्रिकेट की बॉल है वो इजीली आप पकड़ के थ्रो कर सकते हो, तो इट इज द लाइटर बॉल. ओके, तो यहाँ बच्चों आपको हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग पता चल गया, राइट? यहाँ बच्चों एप्पल इज हैवियर और बनाना इज लाइटर. एप्पल जो है बच्चों वो बनाना से भारी है, और बनाना जो है वो
लाइट है, मतलब उसका वेट कम है एप्पल से, ओके। एंड यहाँ पे बच्चों कैंडल का वेट ज़्यादा है पेंसिल से, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पेंसिल का वेट जो है वो कम है कैंडल से, ओके। इन अ थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे बच्चों जो बिगर बॉल है इट इज़ मोर हैवी देन द स्मॉलर बॉल, और आप ऐसे भी बोल सकते हो स्मॉलर बॉल इज लाइटर देन हैवी बॉल, राइट। सो चिल्ड्रन दीज आर द थ्री एग्जांपल्स, ओके। एंड नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेट, राइट। सो चिल्ड्रन आप लोग जब अपने पेरेंट्स के साथ कभी वेजिटेबल मार्केट में गए होंगे तो आपने वहाँ पे वेजिटेबल सेलर्स को देखा होगा, राइट। एंड उनके पास एक मशीन होती है टू वेट द वेजिटेबल्स, ओके। तो अब हम बच्चों वेट का जो कंसेप्ट है उसको और भी ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेबल सेलर, ओके। एंड नाउ कम लेट अस बिगिन विद दिस स्टोरी एंड यू कैन ईजीली लर्न, बिकॉज चिल्ड्रन ये हमारा ईजी एग्जाम्पल्स है, राइट। और अब हम थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हम बच्चों देखेंगे कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम एक मशीन से मेजर करते हैं, राइट। और आपने कभी ना कभी वो मशीन डेफिनेटली मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में देखी होगी, और चिल्ड्रन अगर आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली आप जाओ अपने पेरेंट्स के साथ और उस मशीन को देखो वेजिटेबल सेलर के साथ, वेजिटेबल सेलर के पास, राइट। सो राइट नाउ आई कैन शो यू इन द स्टोरी। सो कम चिल्ड्रन लेट अस लर्न अबाउट वेट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल्स। यू कैन सी हियर चिल्ड्रन ऑन द स्क्रीन, हियर अ मैन इज स्टैंडिंग। सो दिस मैन इज अ वेजिटेबल सेलर एंड हिज नेम इज रघु, ओके। सो चिल्ड्रन ये जो वेजिटेबल सेलर है he is selling fresh vegetables, okay. Now अब हम बच्चों वेट के बारे में पढ़ेंगे, okay, इन वेजिटेबल्स की हेल्प से। सो बच्चों अब आप देखोगे स्क्रीन पे, दिस इज अ वेइंग स्केल, ओके। एंड हम वेइंग स्केल को यूज करते हैं टू कंपेयर वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। जब हम कंपेयर करते हैं बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स का वेट, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, देन हमेशा वन ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो आइदर हैवियर होता है और लाइटर होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ओके। सो चिल्ड्रन लेट अस अंडरस्टैंड इन इट इन अ मोर बेटर वे। सो नाउ चिल्ड्रन रघु दिस वेजिटेबल सेलर, अब रघु ने क्या किया है बच्चों, ही हैज़ केप्ट पम्पकिन इन वन पैन, ओके। ये जो वेइंग स्केल है बच्चों, जो वेइंग मशीन है, इसमें देखो टू पैन्स है, ओके। एंड वन पैन में बच्चों रघु ने पम्पकिन रखा है, पम्पकिन इज अ वेजिटेबल। एंड जो दूसरा पैन है बच्चों, दैट इन दैट अनदर पैन रघु हैज केप्ट ब्रिंजल, ओके। सो फर्स्ट पैन में बच्चों जो येल्लो कलर की वेजिटेबल रखी है रघु ने, इट इज पम्पकिन, और सेकेंड पैन में ब्रिंजल रखा है, ओके। नाउ द पैन विद हैवी ऑब्जेक्ट गोज डाउन, यू कैन सी जो बच्चों जो पैन है जिसमें हैवी ऑब्जेक्ट रखा है वो पैन नीचे चला जाएगा, एंड पैन विद लाइट ऑब्जेक्ट लाइक ब्रिंजल, जैसे पैन जिस पैन में बच्चों ब्रिंजल रखा है रघु ने वो ऊपर चला गया, राइट। इट इज ऑन द अपर साइड, एंड पैन विद हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है बच्चों, यू कैन क्लियरली सी पम्पकिन ऑफ येल्लो कलर। तो बच्चों जो हैवी ऑब्जेक्ट है पम्पकिन, वो हमने जिस पैन में रखा है वो पैन नीचे चला गया, और जो ब्रिंजल है बच्चों क्योंकि वो लाइट ऑब्जेक्ट है तो ब्रिंजल वाला जो पैन है वो अपर साइड पे है, ओके। यू कैन आइडेंटिफाई दैट द पम्पकिन इज हैवियर ऑब्जेक्ट देन ब्रिंजल, ओके।
और आप इसको और कैसे बोल सकते हो बच्चों, दैट ब्रिंजल इज लाइटर ऑब्जेक्ट और लाइटर वेजिटेबल देन पम्पकिन। ओके, अगर हम बोलें इसको बच्चों इजी लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं पम्पकिन जो है वो हैवी है ब्रिंजल से, ओके, और ब्रिंजल जो है वो लाइटर है पम्पकिन से, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे रघु ने बच्चों जो दो पैन्स हैं, फर्स्ट पैन में तो टमाटोज रखे हैं राइट, और जो सेकंड पैन है उसमें चिलीज रखी हैं ग्रीन चिलीज, ओके। सो चिल्ड्रन, अब बच्चों आपने देखोगे दैट अ पैन विथ टमाटोज गोज डाउन, जिस पैन में टमाटोज रखे हैं बच्चों वो पैन नीचे चला गया। व्हाई? आपको पता है बच्चों जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है वो पैन नीचे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट लाइटर होता है उसका पैन ऊपर अपर साइड पे चला जाता है राइट। सो पैन विथ टोमेटोज गोज डाउन, ओके, दैट मीन्स टोमेटोज आर हैवियर देन चिलीज, ओके। नाउ चिल्ड्रन, रघु हैज केप्ट 5 लेमन्स। लेमन्स मीन्स बच्चों नींबू, यू मस्ट हैव सीन इन योर सैलेड, ओके। सो रघु ने बच्चों 5 लेमन्स एक पैन में रखे हैं और 1 लेमन अनदर पैन में रखे हैं राइट। तो अब जो पैन है बच्चों जिसमें एक लेमन रखा है रघु ने, इट वेंट, वेयर इट वेंट, यू कैन सी इट वेंट अपसाइड एंड द पैन विद 5 लेमन्स वेंट डाउनसाइड राइट। तो आपने क्या देखा बच्चों, जिस पैन में 5 लेमन्स है वो पैन नीचे चला गया और जिस पैन में 1 लेमन है वो अपसाइड चला गया, अपर पोजीशन में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन, के 5 lemons आर हैवियर देन 1 lemon, और यू कैन से दैट 1 lemon इज लाइटर देन 5 lemons, ओके। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैड फन इन weighing वेजिटेबल्स विद रघु। So that's all for today's class, children. Revise this story once again. Thank you for watching.